Hey guys, welcome back to the channel with a new vlog on a new day and with a new energy to start the day. So, अभी मैं हूँ गेस्ट हाउस में, भुवनेश्वर में हूँ एंड ये जो व्लॉग बनने वाला है अभी मैं पूरी निकल रहा हूँ गाड़ी से. पापा मम्मी नीचे जा चुके हैं, कुछ लगेजेस हैं जो मैं लेके जाऊंगा उनको पहले भेज दे बिकॉज मेरे को वीडियो बनानी थी एंड माइक्रोफोन से लेके GoPro अभी मैं फोन से कर रहा हूँ जो भी है ऑलरेडी लोडेड है बैग में. इसको निकालूंगा तो और टाइम हो जाएगा. ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ, मतलब हमें निकलना था 9 बजे, अभी बज रहे 9:35, ऑलरेडी लेट है. बट कोई दिक्कत नहीं, आज वैसा कुछ प्लान है भी नहीं, वहां पे जाके रहना है बस बिकॉज कल रथ यात्रा है एंड कल हम लोग पूरी में एंट्री नहीं ले पाएंगे, मतलब इतनी ज्यादा भीड़ होगी अंदर एंट्री नहीं पाएगी. इवन आज भी हम लोग को गाड़ी पार्किंग में रख के फिर जाना पड़ेगा, जो भी गाड़ी हमने बुक किया वो पार्किंग तक छोड़ेगा या बोल रहा है कुछ घुमा के लेके जाएगा. देखते हैं कहाँ पे रुकते हैं, कैसे रुकते हैं. मंदिर के सामने वाले होटल में, जगन्नाथ दर्शन करके होटल है उसका नाम, वहां पे बुक हुआ है. कैसा रूम मिला है, क्या मिला है, थोड़ा रिकमेंडेशन तो दिए हैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, बट लेट्स सी वो रूम मिलता है नहीं मिलता है, क्या मिलता है. एनीवेज जो भी है सो है, कितना प्राइस पड़ा इस टाइम पे, कितना कैसे मैंने बुकिंग किया, सारा चीज मैं बताऊंगा इस वीडियो में. और हिंदी समझते हो तो ये वीडियो कम्प्लीटली देख लेना, वरना इसी का एक डब्ड वाला मैं अपने ओडिया चैनल में भी डाल दूंगा विद द इन्फॉर्मेशन. ज्यादा कुछ शेयर नहीं करूंगा, बस इन्फॉर्मेशन शेयर करके अपने ओडिया चैनल में डाल दूंगा. तो अगर वो चैनल फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर देना, अनफिल्टर्ड ओडिया करके आ रहा होगा, यहाँ पे कहीं पे दिख रहा होगा अभी आपको स्क्रीन पे यहाँ पे, तो इसको जाके सब्सक्राइब कर देना, चैनल को नोटिफिकेशन ऑन भी कर देना चैनल का एंड ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे इस चैनल के बारे में. फिलहाल और ज्यादा बकबक करके लेट ना करते हुए हम लोग निकलते हैं अभी, ब्रेकफास्ट करेंगे नीचे. ब्रेकफास्ट करके ये सारे पापा मम्मी ले चुके हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, मैं ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ, ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन इसको गाड़ी में लोड करते हैं. ब्रेकफास्ट में था उपमा और करी जो कि मुझे काफी ज्यादा टेस्टी लगा, सही था गेस्ट हाउस का. एंड उसके बाद हम चल पड़े गाड़ी में लगेजेस लोड करने के लिए. थोड़े ज्यादा लगेजेस लग रहे होंगे बिकॉज उसमें सीएनजी टैंक भी भरा था गाड़ी में, इसलिए इतने भी लगेजेस नहीं है, दो ही बैग थे बस. एंड उसके बाद हम निकल पड़े पुरी की तरफ. बैंगलोर से मैंने लोकेशन चेंज करके भुवनेश्वर कराया ताकि मेरे को ट्रैफिक की दिक्कत ना हो, लेकिन भुवनेश्वर में भी ट्रैफिक की वही सीन बढ़ रही थी जो कि आने वाले कल में काफी ज्यादा बढ़ जाएगी. देखते ही देखते हम पूरी पहुंचने वाले थे. हमें थोड़ी दिक्कत हो रही थी कि हमें लग रहा था रथ यात्रा के कारण क्या रास्ता खुला रहेगा और बाटामंगला के पास हमारा दर्शन हो पाएगा भगवान का, और हमारी किस्मत देखो खुला था वो रास्ता और हमने भगवान जी के दर्शन भी कर लिए एंड वहां पे कुछ खास फोटोज भी उठा लिए. क्योंकि इस बार रथ यात्रा 2 दिन होने वाला है तो जो कि तीसरे दिन को ज्यादा खींचने वाले हैं रथ को, तो इसलिए आज इतना ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं था, तो गाड़ी होटल रूम तक छोड़ने आ गई. फिर भी गली के रास्ते में हमें रिक्शा लेनी पड़ गई, लेकिन वो जो व्यू था वो आप आगे देखने वाले हो. रिक्शा में तो बैठ गए थे कंफर्टेबली एंड आगे हमें जो व्यू मिला मंदिर का जैसे ही हम लोग होटल पहुंचने वाले थे वो बहुत ही शानदार था, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि होटल इतना करीब हो सकता है मंदिर के या फिर हमें इतना अच्छा व्यू मिल सकता है. मैं चेक इन करने जा रहे हैं, यहाँ है मंदिर, रथ देख सकते हो एंड ये है होटल. अंदर जाता हूँ और होटल का व्यू देता हूँ. कभी भी आप पूरी आते हो तो जगन्नाथ दर्शन में स्टे कर सकते हो, और ये नंबर नोट कर लेना ट्रैवल में ताकि आप लोग कहीं पे भी घूमने जा सको होटल से. तो यहाँ पे कॉमन बालकनी है मतलब पूरे कॉरिडोर का, और यहाँ इसका एक डोर भी है जो अपने रूम के साथ कनेक्टेड है, ये देख सकते हो. ये एक छोटा सा रूम है लेकिन इसका प्राइस मैं बाद में डिस्कस करेंगे. ये देख सकते हो आपको टीवी मिलता है, मिरर भी हो जाता है, यहाँ पे आपको अपना एक अच्छा सा वॉशरूम भी मिल जाता है. ये स्लाइड्स ऑन हूँ, ठीक ही ठाक है. एंड इसके बाद ये एसी रूम है, दैट्स इट. यहाँ पे लगेजेस रख दिए हैं, यहाँ पे अभी मैं जूता रखता हूँ, बस यहीं पे रूम शुरू होती है यहीं पे ख़त्म होती है. और ये जो व्यू है मैं अभी आपको ये वाला व्यू देता हूँ, यहाँ से आपको ना कंप्लीट मंदिर का व्यू मिलता है और कुछ लोग कपड़े भी सुखा रहे हैं, तो मैं अभी आपको बालकनी का व्यू देता हूँ. ये है बालकनी से व्यू, इस तरफ जो मंदिर का परिक्रमा करते हैं इस तरफ से रास्ता जा रहा है उसका, और यहाँ पर वो परिक्रमा होती है. एंड ये है मंदिर, ये अभी तीनों रथ आ चुके हैं एंड अपने जगह पे हैं. कल यहाँ से रथ को खींचना शुरू करेंगे. मैं सोच रहा हूँ ये तो पीछे वाला हो गया, मतलब आपको पीछे वाला व्यू मिल रहा है, बाकी रथ उस तरफ जाएगा तो आगे वाला व्यू मिलता तो अच्छा होता, बट ठीक है जो मिला है वो सही है. अंदर कहीं होटल मिलता तो फिर मुश्किल ही हो जाता. भीड़ देख सकते हो, कल पता नहीं कल इसका कितना गुना भीड़ होने वाला है भगवान जाने. पूरा
काली रहेगा ना। होप गाइस आपको ये शॉर्ट सिंपल सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब कर देना एंड वेट करना कल वाले व्लॉग के लिए ताकि आपको पता चल सके कि पूरी में रथ यात्रा कैसे सेलिब्रेट करते हैं। मुझे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है वीडियो रिकॉर्डिंग के, बिकॉज मैं जहां पे हूँ वहां से इस फ्रंट व्यू लेना काफी मुश्किल होगा एंड काफी ज्यादा भीड़ बढ़ गई होगी, तो मैं गारंटी तो नहीं दे पाऊंगा कुछ चीज की, बट अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे व्यू दे पाऊं एंड खुद भी अच्छे से अच्छे भगवान जी के दर्शन कर सकूं एंड आपके साथ शेयर कर सकूं। फिलहाल के लिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं एंड अभी मैं शाम के 6 बज रहे हैं, मम्मी पापा नीचे जा चुके हैं, मैं जा रहा हूं अभी बीच। उसका इतना खास कुछ अगर रिकॉर्डिंग होगा तो मैं मिनी व्लॉग में डाल दूंगा, बट यहाँ पे रूम में थोड़ी नेटवर्क की दिक्कत हो रही है तो अपलोड करने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा वहां पे, तो मैं बीच से अपलोड करूंगा, तो बीच वाली क्लिप शायद इस वीडियो में इंक्लूडेड ना रहे, लेकिन बीच वाली अगर कुछ हैपनिंग चीजें मेरे को मिली, कुछ अच्छा शॉर्ट्स मिला, कुछ अच्छा कॉन्टेंट मिला, तो वो आप मिनी व्लॉग में देख सकते हो। बी द रीजन समवन स्माइल्स टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय, टेक केयर।